हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है मान किचन। तो आज हम बनाने वाले हैं क्रिस्पी और बहुत ही ज़्यादा चीज़ से भरे हुए चीज़ी डोनट्स। ये बाहर से जितने ज़्यादा क्रिस्पी है, अंदर से उतनी ही ज़्यादा सॉफ्ट और चीज़ से भरे हुए हैं। तो इसे बनाना बहुत ही आसान है और इसका स्वाद बहुत अनोखा है। तो चलिए देखते हैं इसकी रेसिपी। तो इसके लिए हमें चाहिए 500 ग्राम उबले हुए आलू। अब मैं इसमें डाल रही हूँ एक चम्मच के करीब लगभग बारीक कटी हरी मिर्च, एक चम्मच लहसुन बारीक कटा हुआ, एक चम्मच अदरक बारीक कटा हुआ, थोड़े से बारीक कटी हुई हरी धनिया। और अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 4 से 5 चम्मच कॉर्नफ्लावर, एक चम्मच चिली फ्लेक्स, एक चम्मच ओरिगेनो और मैं स्वाद अनुसार नमक डाल रही हूँ। तो अब हमें इसे अच्छे तरीके से मिक्स करके इसका एक डो तैयार कर लेना है। तो अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ थोड़ी सी काली मिर्च जिसे मैंने हल्का सा कूट लिया है। तो अब इसे आप अच्छे से एक डो की तरह तैयार कर लें। तो डो तैयार हो चुका है। अब अपने हाथों में हल्का सा तेल लगा लें और अब डो में से छोटी सी एक लोई निकालें और इसे गोल करके फिर हल्का सा चपटा कर दें। बस इसी तरीके से हमें और तैयार करना है। तो ये देखिए मैंने एक तैयार किया, अब इसके साथ मैं दूसरा भी तैयार कर लूँगी। तो दूसरा भी तैयार हो चुका है। अब इसके सेंटर में हम रखेंगे चीज़। आप चाहे तो आप मोज़रेला चीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने भर कर चीज़ रख दिया। अब दूसरी वाली जो लोई है उसको इसके ऊपर रखें, हल्के हाथों से दबाएं, सारे कॉर्नर जो है उसे अच्छी तरीके से आप सील कर दीजिए, अच्छा एक राउंड शेप दे दीजिए। अब बारी आती है सेंटर में होल करने की। तो आप चाहे तो आप फिंगर से भी कर सकते हैं, मेरे पास इस तरह का एक पेन है तो आप पेन या पेंसिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से बीच में उसे डालिए, घुमाइए। अब इसे एक परफेक्ट शेप दे दीजिए अपनी उंगली की मदद से। तो ये देखिए मैंने चारों तरफ से सील कर दिया है और डोनट तैयार है। इसी तरीके से बचे हुए डोनट को भी तैयार कर लिया है मैंने। तो अब हमें करना है एक स्लरी तैयार, जिसके लिए हमें डालना है मैदा 2 चम्मच, 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर और अब इसमें हम डालेंगे हल्का सा नमक। तो इसमें थोड़ा सा पानी डालकर जो है इसका एक गाढ़ा सा स्लरी तैयार कर लीजिए। तो ये देखिए ये तैयार हो चुका है। इसी के साथ हमें चाहिए लगभग 1 कप ब्रेड क्रम्स। तो हम इस डोनट्स को पहले स्लरी में डुबाएंगे और फिर ब्रेड क्रम्प में। तो ये देखिए मैंने एक डोनट लिया, उसको अच्छी तरीके से स्लरी में डुबो दिया। अब इसे हम ब्रेड क्रम्प से अच्छे से कोट करेंगे। ये हमें अच्छी तरीके से कोट करना है वरना ये तेल में जाते ही फट जाएंगे। तो ये देखिए अच्छी तरीके से चारों तरफ से घुमाते हुए मैंने एक डोनट को तैयार कर लिया है। अब बाकी के भी डोनट्स को हम तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए तैयार है। अब करिए कढ़ाई में तेल को गरम। हमें जो है इसे मीडियम फ्लेम पर तेल को गरम करना है। तेल के गरम होते ही आप एक साथ में एक ही डोनट को फ्राई करिए। तो ये देखिए जैसे ये हल्का सा कलर बदल दे आप इसे धीरे से पलट दीजिए, सावधानी से पलटिए और बस इस तरीके से गोल्डन ब्राउन जब हो जाए, जब क्रिस्पी हो जाए तो निकाल लीजिए। इसी तरीके से बचे हुए सारे डोनट्स को जो है आप बना लीजिए। तो ये देखिए मेरे सारे डोनट्स जो है वो तैयार हो गए हैं। इसे आप हल्के से कोरिएंडर से और थोड़े से ग्रेटेड चीज़ से गार्निश करके और अपने गेस्ट को, स्पेशली बच्चों को परोसिए, ये बच्चों को बहुत पसंद आता है। तो ऐसी रेसिपीज़ के लिए मान किचन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।